आप देखो ऐसे जब ग्रुप में जाते हैं ऐसे पूरा रोड को, रोड खाली है बिल्कुल, तो ऐसे जब साथ साथ जाते हैं कुछ मज़ा अलग ही होता है। एंड वी आर एट 100-110 स्पीड और सब साथ साथ चलते हैं जबकि सारे के सारे सुपर बाइक्स हैं। वन इज सारी देयर, अदरवाइज बाकी सारे सुपर बाइक्स हैं एंड हम एक कॉन्स्टेंट स्पीड में चल रहे हैं मस्त। ये वाली है नहीं, आगे वाली लेना था, ये लोग यहीं से ही घूम गए, घूमने वाले थे। अब ये जो है पानीपत वाला रास्ता, विल टेक लेफ्ट फ्रॉम हियर। कैसा लग रहा है ये लेन बताओ, देख के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता रहा। सबको यहीं पे लीन करना अच्छा लगता है बिकॉज ये रोड ही ऐसा ही है। ये वाली जो रास्ता है ये जाता है टुवर्ड्स चंडीगढ़ अमृतसर, बट इसमें कंस्ट्रक्शन बहुत है और ये साइड में आप देख रहे हो ये सारे कंस्ट्रक्शन है, तो जो लोग इधर को राइट प्लान कर रहे हो अवॉइड बिकॉज फ्लाईओवर के चक्कर में लॉट मेनी डाइवर्जन एंड देन इधर उधर होने का वो है, ट्रक्स भी चलते हैं। तो ये अपना पूरा ग्रुप है जो डिसेंट राइडर्स हैं, नो रैश राइडिंग नथिंग, आराम आराम से सब चल रहे हैं। वैसे आज मेरे बाइक से साउंड नहीं आ रहा होगा, एग्जॉस्ट ढंग का नहीं आ रहा होगा बिकॉज टीवी कलर मैंने फिर से लगा दिया है, क्योंकि ये जो चंडीगढ़ पानीपत वाला जो रास्ता है इसमें बहुत सारे चेकिंग होते हैं टू अवॉइड दैट। मैंने सारा ये टीवी कलर लगा दिया ताकि नॉइज ना हो। ये देखो अब कुछ इस तरह डाइवर्जन है, पानी में हम थोड़ा बचा के चलाएंगे बिकॉज पानी में स्लिप होने का चांसेस होता है। चलो गाइस, विल सी यू इन अ शॉर्ट ब्रेक, तब तक म्यूजिक एंजॉय करो।
तो बेसिकली ये वाली सारे फ्लाईओवर्स रेडी हो रहे हैं ताकि स्मूथ राइड हो सके। तो अभी हम वही रास्ते पे हैं, अभी कहीं हमने मुड़ा नहीं है, एक ही जगह पे ब्रेक लिया था ताकि बाकी पीछे राइडर्स आ जाएं। अभी हमने जो डिसाइड किया है, हम 110-120 के स्पीड में ही रहेंगे, उससे तेज चलाएंगे ही नहीं, इरेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट्स एवर कम, खाली जितना भी मिले, दैट डजंट मीन कि ट्रैफिक आ गया तो उससे 110 में ही चलेंगे, मतलब खाली रास्ता मिले तो भी 110 पे ही रहेंगे, उससे ज़्यादा जाएंगे ही नहीं 120-110 के अंदर, बिकॉज इस रास्ते में पानीपत के पास चालान कटता है, तो स्पीड लिमिट वाला चालान है वहाँ पे, इस चक्कर में आराम से चलेंगे। वैसे तो खाली रास्ता है पर ट्रैफिक है, ज़रूरत नहीं है, आराम से चलो और मस्त चलो। कुछ इस तरह का आता है बीच बीच में गड्ढा, और इस तरह कुछ डाइवर्जन होता है छोटे छोटे, सो स्पीड अगर थोड़ा आराम रहेगा तो एवरीबॉडी कैन मैच एंड एवरीबॉडी कैन यू नो गो स्मूथली। बाकी वहाँ दूर दूर तक जो ब्लिंकर्स दिख रहे हैं, नहीं दिख रहा मैं दिखाता हूँ, ये देखो जो ब्लिंकर्स दिख रहे हैं वहाँ तक सब है, ऐसे ही क्रॉस करते हैं इस रास्ते में साइकिल लेके। जगह पे ट्रैफिक डाइवर्जन है और फ्लाईओवर कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है, ये तो ऐसा लग रहा है कि काफ़ी दिनों से बंद पड़ा है, आई थिंक जब से लॉकडाउन शुरू होगा तब से ही बंद पड़ा है, तो इस तरह का डाइवर्जन है, पहले इतना डाइवर्जन नहीं हुआ करता था, अब रोड को और अच्छा बनाने के चक्कर में कंस्ट्रक्शन चल रहा है मस्त।
खड़े होके गड्ढे बड्ढे सब जंप करके आ गया, यू नो। आप उनको तो कुछ नहीं चाहिए, एडवेंचर बाइक जो ले रखा है। यही अगर प्लेन रोड होता, जैसे आपने देखा एक्सप्रेसवे पे सब आगे भाग गए थे और मैं ही पीछे रह गया था। वैसे तो रेस तो हो नहीं रहा, बट ऐसे चलता है, गड्ढे में आप निकल लो। ओह गॉड, सो मेनी डाइवर्जन। आ चुके हैं थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा। देखो पीछे, ओ देख हाँ गरम हो गया भाई, ये पूरा गिरने वाला है। थोड़ा आगे पकड़ना, आगे पकड़ो भाई, पूरा निकल गया। अब धक्का मारो उस साइड देख के भाई, गर्म है बहुत। साइलेंसर उतर गया, हाँ लटक गया।
वी हैव टेकन ए हॉल्ट ओवर हियर. आई डोंट नो व्हिच प्लेस इज दिस बट रैंडमली वी हैव स्टॉप्ड. आप देख सकते हैं कितना अच्छा पोज दे रहा है. यू विल लव इट. नेम इज नवाब.